नमस्कार विद्यार्थियों, ई प्रैक्टिकल्स की अगली कड़ी में आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 5। ऑब्जेक्ट है डिटरमिनेशन ऑफ फास्टनेस ऑफ द कलर ऑफ इंक, डेट इज़ ऑल्सो स्टडी। लैब है इसमें, प्रिंटर साइंस लैब। लाइट फास्टनेस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कलर टू फेडिंग। लाइट फास्टनेस हमेशा से वो रेजिस्टेंस पावर रही है उस कलर या की या उस इंक की जो लाइट के प्रति उसको फेड होने से बचाती है। चेंजिंग शेड और डार्कनेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइट फास्टनेस। द रीजन ऑफ सच मॉडिफिकेशन इन द अपेयरेंस ऑफ द प्रिंट आर मेनली ड्यू टू द डीग्रेडेशन ऑफ द कलर एजेंट यूज, पिगमेंट और कलर एजेंट। अब जो फेड होने की प्रक्रिया है ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है लाइट की वजह से उसके पिगमेंट या कलर एजेंट में मॉडिफिकेशन हो जाना या उसका डिग्रेडेशन हो जाना, जिसकी वजह से वो कलर हल्का दिखाई देने लगता है, फेडेड दिखाई देने लगता है। हाउएवर लाइट नॉट ओनली अफेक्ट द पिगमेंट बट ऑल्सो द बाइंडर्स। ये लाइट जो होती है ये पिगमेंट के कलर एंड के अलावा उसका जो बाइंडर्स है, जो बाइंडर्स का काम क्या होता है, पिगमेंट को उसकी सतह से जोड़े रखना, यानी सब्सट्रेट या पेपर है, प्लास्टिक है, फॉइल है, उससे उसको बाइंड करके रखना, उस पर भी वो लाइट इफेक्ट डालती है। द सब्सटेंट एंड द इवन ऑफ द ओवरप्रिंट वार्निश, और उसके ऊपर जो वार्निश है उस पर भी। इट शुड बी नोटेड डेट द अदर फैक्टर्स कैन कॉज प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसको प्री मेच्योर एजिंग यानी कि उसको फेडेड करने में अपना योगदान देते हैं। पहला है ह्यूमिडिटी, दिस एंड्स अप द ब्लीचिंग द प्रिंट्स। दूसरा है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, दिस कॉज रैपिड डिटरेशन। द पैकेज प्रोडक्ट, इट कैन माइग्रेंट और रिलीज द वेपर्स डेट कैन अल्टर द पेंट। पहले दो तो हमें समझ में आ गए कि ह्यूमिडिटी नमी है उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ जाए या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ था उस पर फर्क। तीसरा है पैकेज प्रोडक्ट, इसका मतलब यह है कि आपने किसी पैकिंग मटेरियल में जिसमें जो प्रिंटिंग इंक आपने काम ली पैकिंग मटेरियल में उसके अंदर आपने क्या चीज़ पैक की जिससे उठने वाली वेपर्स की वजह से उसकी प्रिंटिंग इंक जो उसके केमिकल बाउंडिंग है वो डिस्टर्ब हुई, तो वो उसका ये तीसरा सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। तो कई बार क्या होता है कि साबुन के ऊपर जो आप कर रहे हैं, साबुन पैक कर रहे हैं, सर्फ पैक कर रहे हैं या चाय की पत्ती पैक कर रहे हैं, इसमें बहुत फ़र्क, या फिर कोई केमिकल पैक कर रहे हैं तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उसमें पैक क्या करते हैं। तो ये जो शुरू के फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के अलावा ये तीन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी जो कलर फास्टनेस ऑफ कलर इंक है उसको अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं, कलर को फेडनेस करते हैं, उसके बाइंडिंग को कमज़ोर करते हैं, उसकी प्रीमेच्योर एजिंग करते हैं और उसको फेडेड करते हैं। ये सब चीज़ें यानी उसकी अपीयरेंस को कुल मिला के वो डिटर्मिनेट कर देते हैं, उसके अपीयरेंस को बिल्कुल ही फेडेड कर देते हैं। तो इस पर मेन इफेक्ट किस किस पर पड़ा, लाइट फास्टनिंग का मेन इफेक्ट पड़ा उसका सबसे पहले पिगमेंट और कलरेंट पे, वो डिग्रेडेशन हो जा रहा है ड्यू टू लाइट, प्लस उसके बाइंडर में जो भी बाइंडर उस पिगमेंट या कलरेंट को सब्सट्रेट से बांध के रख रहा था वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक। और तीसरा वो प्रीमेच्योर एजिंग होती जा रही है, मतलब उसके ऊपर जो वार्निश वगैरह थी जो चमक के लिए आपने लगाई थी, प्रोटेक्शन के लिए आपने उस पर लगाई थी प्रिंटिंग मटेरियल के ऊपर, वो भी आपकी डिस्टॉर्ब होती जा रही है। तो ये जो आपका था स्टडी, ये भी आपका स्टडी जो था ये था डिटर्मिनेशन ऑफ फास्टनेस ऑफ कलरिंग का, ये भी एक स्टडी है। इसको भी हम बेसिकली जो आपकी प्रिंटिंग इंक्स वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वहाँ इन सब की स्टडी के लिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल वर्क होता है, इनके पास बाकायदा पूरी एक लैब सेटअप होती है जिसमें वो अपनी प्रिंटिंग इंक्स यानी कि उनके लिए प्रिंटिंग इंक्स उनका प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उसको वो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर जाँचते हैं। और चूंकि अपने यहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर सिगवर्ट से रेगुलर हमारे यहाँ से कैंपस होता है, तो इसलिए ये सब आपको स्टडी कराना एज ए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस कंपनी में जाने के लिए कुछ पहले से मानसिक रूप से तैयार हो सके। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे वो कैंपस इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भाई फास्टनेस ऑफ कलरिंग क्या होती है या आप इसके बारे में क्या जानते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, जिसका आंसर आप कैसा भी दे सकते हैं। ये कोई एक तरह से नाउन क्वेश्चन नहीं है कि पर्टिकुलर ये बताइए फास्टनेस ऑफ कलरिंग आप कैसे ज्ञात करेंगे या फिर आप ह्यू और करेक्शन को आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये डेट इज ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर ऐसे क्वेश्चनों से बचा जाता है। चूंकि आपका डिप्लोमा एक पूरा ओवरऑल डिप्लोमा है तो वो इसके बारे में क्या जानते हैं ये शब्द वो जरूर यूज़ करेंगे ताकि वो आपसे अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन निकलवा सकेंगे, पर्टिकुलर आप ह्यू एरर ग्रेनेस फास्टनेस इन सब के बारे में आप कितना जानते हैं और उनके लिए आप कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज का ये आपका प्रैक्टिकल यही होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल के साथ। उस आगे के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।